सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। गोपीगंज में 7 करोड़ की अफीम के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत गोपीगंज व क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गोपीगंज बस अड्डा के पास से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बेलडांगा निवासी नजीबुल हक को 7 किलो 346 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 7 करोड़ रुपया आकी गई है। परवल की खेती को पशुओं से बचाने के लिए खेतों के किनारे लगाए गए तार की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मामला कोयरौना थाना इलाके के दुगना गाँव का है। गंगा किनारे लीज पर खेत लेकर कुछ लोग परवल की खेती करते हैं। फसल को जानवर से बचाने के लिए खेतों के किनारे लोहे का विद्युत तार लगाया गया है। शनिवार की सुबह दुगना गांव निवासी 70 वर्षीय दुखरन यादव शौच के लिए निकले थे। गंगा किनारे परवल के खेत के समीप से जा रहे थे, तभी वह तार की चपेट में आ गए, जिससे यह हादसा हुआ है। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। खेतों में खड़ी फसलों को बचाने के लिए किसान लोहे के तारों का प्रयोग कर रहे हैं। तार में विद्युत प्रवाहित होता है, जिससे भदोही जिले में यह हादसे हो रहे हैं। दुगना गांव निवासी दुखरन यादव भी ऐसे ही तारों के शिकार हो गए हैं। दुखरन यादव की मौत के बाद परवल की खेती करने वाले लोग वृद्ध का शव उठाकर बगल के एक सरसों के खेत में रखकर फरार हो गए थे। घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। कोरोना पुलिस भी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। कोरोना इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि लीज पर खेत लेकर परवल की खेती करने वाले गाजीपुर निवासी कृष्णा चौधरी, मनोज कुमार, चंद्रशेखर व कोरोना के डीघ निवासी बबलू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भदोही रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक बुनकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। ट्रेन की चपेट में आने से बुनकर के शरीर से उसका दाहिना हाथ अलग हो गया है। चंदौली के नौगढ़ निवासी शिवपूजन नामक व्यक्ति भदोही शहर के एक कालीन कंपनी में अपने भाई के साथ काम करता था। शनिवार की शाम वह फत्तूपुर रेलवे लाइन की तरफ गया हुआ था, तभी मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे यह हादसा हुआ है। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के EMT दिनेश कुमार व पायलट कमलेश कुमार मौके पर पहुंचे थे, जहां भदोही रेलवे पुलिस ने घायल बुनकर को MBS में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही घायल शिवपूजन का भाई कमलेश भी कालीन कंपनी से अस्पताल पहुंच गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। भदोही शहर के मोहल्ला कजियाना में स्थित हजरत शहीद बाबर रहमतुल्ला अलैह के आस्थाने पर शनिवार को अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ गई थी। दोपहर को लंगर के बाद शाम गागर चादर का जुलूस निकाला गया था। रात को जलसे का आयोजन किया गया था, जहां बाबा के शान में नातिया कलाम पेश किए गए। आस्थाने पर कई मोहल्ले के अकीदतमंद पहुंचे थे। लोगों ने अमन चैन के लिए दुआएं भी मांगी थी। इस मौके पर टोनी मंसूरी, गुफरान, राइन, अजमत, फैज आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के दरोपुर रामलीला मैदान में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन से बांस, सरिया, सीमेंट चोरी होने का मामला सामने आया है। श्री रामलीला समिति के भदोही उपाध्यक्ष विनीत बर्नवाल ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि रामलीला मैदान में सामुदायिक भवन का निर्माण चल रहा है। शनिवार की सुबह मजदूर पहुंचे तो समरसेबल का स्टार्टर, बिजली बोर्ड जला हुआ था। वहीं 3 क्विंटल सरिया, 6 बोरी सीमेंट, 11 बांस गायब थे। पुलिस से शिकायत करते हुए विनीत बर्नवाल ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के अहमदपुर फुलवरिया में शराब की दुकान को लेकर 2 पटीदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। अहमदपुर फुलवरिया निवासी श्याम बिहारी की पत्नी रेखा ने बताया कि उसने एक कमरे को शराब की दुकान के लिए किराए पर दे रखा है।
पटीदार शराब की दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी बात को लेकर पटीदारों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। पिटाई से श्याम बिहारी, अमन, गोलू व पवन को चोटें आई हैं। घायलों का उपचार भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। मढ़े में चल रही किराने की दुकान में आग लग गई है। दुकानदार का भारी नुकसान हुआ है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। मामला गोपीगंज के चकमानधाता गांव का है। रामधनी गौतम घर से 100 मीटर दूर गांव में ही मढ़ा रखकर किराने की दुकान चलाते थे। शनिवार की भोर रामधनी गौतम की पत्नी सीता देवी सोकर उठी तो देखा कि मढ़े से धुआं निकल रहा है। नजारा देख रामधनी गौतम की पत्नी सीता देवी ने शोर मचाया। परिजन संग ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो तब तक मढ़ा जलकर खाक हो चुका था। मढ़े में रखा दाल चावल बिस्किट पान मसाला जलकर खाक हो गया था। रामधनी गौतम के मुताबिक लगभग 25,000 रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। वाहन चेकिंग के दौरान भदोही शहर के सरोही पुल से एक अंतर जनपदी गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 8 किलो 780 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। गांजे की कीमत 1,75,000 रुपए बताई गई है। भदोही कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान सरोही मुरवा पुल से अवैध गांजे को बरामद किया है। गिरफ्तार अंतर जनपदी गांजा तस्कर वाराणसी के चौबेपुर मुस्तफाबाद निवासी अरविंद राजभर बताया गया है। तस्कर के पास से 1,020 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। भदोही व क्राइम ब्रांच टीम को यह कामयाबी मिली है। खेतों के ऊपर से गुजरा विद्युत तार किसानों के लिए आफत बना है। विद्युत तार से अक्सर खेतों में खड़ी फसल जलकर खाक हो जाती है। यह मामला है सूर्यामा ब्लॉक के ग्राम सभा बरमोहनी का। इलाके के रामाशंकर यादव, कैलाशनाथ, संतोष, ननकू, अमर जैसे किसानों ने खेत में ही प्रदर्शन करते हुए बताया कि किसानों के खेत के बीचों बीच से गुजरा विद्युत तार काफी नीचे आ गया है। खेत में खड़ी फसल को विद्युत तार छू रहा है। फसल सूखने के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए बरमोहनी के किसानों ने तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। पवित्र माह रमजान के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। रमजान को लेकर भदोही जिले के बाजार सज गए हैं। खासकर मुस्लिम बाहुल इलाके की बाजारों में अलग अलग वैरायटी के खजूर, चिप्स, पापड़, शरबत, दूध, पिन्नी, सेवई, इत्र, चना मटर, बेसन की दुकानें सज गई हैं। दुकानों पर सजे सामान लोगों को लुभा रहे हैं। रमजान का त्यौहार नजदीक है। रमजान को लेकर भदोही, गोपीगंज, खमरिया, घुसिया, चौरी, ज्ञानपुर, सरोही, नई बाजार, माधो सिंह जैसे बाजारों में रोजे के सामानों की दुकानें सज गई हैं। बाजारों में सजी रंग बिरंगी टोपियां भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। रमजान को लेकर बाजार में अलग अलग फ्लेवर वाले शरबत और आकर्षक पैकिंग में खजूर मौजूद हैं। रमजान को लेकर लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। गर्मी आते ही ट्रांसफार्मरों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार को ज्ञानपुर महिला थाने के समीप लगे 250 केवीए के ट्रांसफार्मर में तेल रिसाव के चलते आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। राहगीरों ने फौरन इसकी जानकारी विद्युत विभाग सहित डायल 112 पुलिस को दी। सुबह लगभग 8 बजे ट्रांसफार्मर में आग लगी की घटना घटी थी। मौके पर पहुंचे विद्युत कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लगभग 1 बजे दोपहर तक विद्युत आपूर्ति बहाल हो पाई थी। महाशिवरात्रि के बाद भदोही जिले में जगह जगह होलिका सज गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर महाशिवरात्रि से पहले ही होलिका सजा दी गई है। गोपीगंज इलाके के डुहिया निवासी पंडित आचार्य दीनानाथ शुक्ला ने बताया कि 24 मार्च को रात 10:28 के बाद से होलिका दहन का मुहूर्त है और 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में होलिका सजाई जा रही है। उधर होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रंगों का पर्व होली को लेकर परदेशी भी अब भदोही पहुंचने लगे हैं। भदोही जिले के सैकड़ों स्थानों पर होलिका दहन किया जाता है। होलिका को लेकर अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शनिवार को ज्ञानपुर के कंसापुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शमशाद अहमद पहुंचे थे। अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष हाजी सुहेल अंसारी की अध्यक्षता में संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश उपाध्यक्ष शमशाद अहमद ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की।
कहा कि इंसानियत में एतबार रखने वाले सभी वर्गों के लोग समाजवादी पार्टी की मुहिम से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस मौके पर जलालुद्दीन, मिराज अहमद, डॉक्टर वजीर आलम आदि मौजूद रहे। विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर गोपीगंज के लाला नगर विद्युत उपकेंद्र पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। शनिवार को चक निरंजन गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की मांग को लेकर उपकेंद्र पर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए सुशील, नागेंद्र, शिवबालक, पिंटू शर्मा आदि ने कहा कि 5 दिन से दलित व शर्मा बस्ती की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई है। कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी पूरी तरह मनमानी पर उतर आए हैं। ग्रामीणों ने विद्युत उपकेंद्र पर प्रदर्शन करते हुए बस्ती की विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की मांग की है। शनिवार को ज्ञानपुर के बालीपुर में अखिल भारतीय नाई उत्थान समिति की बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक समिति के जिलाध्यक्ष शीतला प्रसाद शर्मा के आवास पर बुलाई गई थी। बैठक में नाई समाज के उत्थान व शिक्षा पर बल दिया गया, साथ ही समिति के संगठन मजबूती पर भी चर्चा की गई। बैठक में कुछ लोगों को जिम्मेदारी भी दी गई है। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का समिति के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत भी किया। इस मौके पर समिति के जिला महामंत्री विनोद कुमार शर्मा, मीडिया प्रभारी विशाल शर्मा आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के हिम्मतपुर बकुचिया में विद्युत विभाग के ठेकेदारों की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते बचा है। जर्जर विद्युत तार बदलते समय एक खंभा जहां गिर गया, वहीं 5 विद्युत खंभा टेढ़ा हो गया है। जिस स्थान पर यह खंभा गिरा है वहां मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे। संयोग अच्छा था कि खेल रहे बच्चे बाल बाल बच गए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। यह खंभा शहजाद के घर के पीछे गिरा था। मोहल्ले के सहनवाज सादाब रमेश ने बताया कि विद्युत विभाग के ठेकेदार बेहद लापरवाही से काम कर रहे हैं, जिससे मोहल्ले में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भुसिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 हाजी नगर में शनिवार को समरसेबल पंप का उद्घाटन किया गया। चेयरमैन पति इब्रार अहमद ने फीता काटकर समरसेबल पंप का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के लिए पहुंचे चेयरमैन पति का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। चेयरमैन पति ने बताया कि समरसेबल पंप का काम पूरा होने के बाद पेयजल पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा और वार्ड में पानी की कमी को दूर किया जाएगा। इस मौके पर जमील अहमद, राहत अंसारी, विकास दुबे, आरिफ आदि मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर सूर्यामा के बहुता सुजानगिरी में उमा शंकर धाम पर भव्य मेला सजा था, जहां दूर दराज से शिवभक्त मेले में पहुंचे थे। शिवभक्त उमा शंकर ने बताया कि धाम महामंत्र जाप के बाद जलाभिषेक किया गया, उसके बाद भव्य मेला सजा था, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन किए गए थे। खाने पीने की दुकानों सहित बच्चों के मनोरंजन के साधन भी मेले में मौजूद थे। उमा शंकर धाम पर पहुंचे भक्तों ने शीश झुकाया और मेले का लुत्फ उठाया। इस मौके पर अमित तिवारी, संजय विश्वकर्मा, वेद प्रकाश, राजनाथ यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के काजीपुर मोहल्ले के हकीम सकीम बाबा के आस्थाने पर सूफियाना कव्वाली का आयोजन किया गया था। सुबह कुरान पाक के तिलावत से कार्यक्रम का आगाज किया गया था। दिन भर आस्थाने पर अकीदतमंदों ने पहुंचकर फातिहा पढ़ी और रात को सूफियाना कव्वाली का आयोजन किया गया था। दोपहर में लंगर का भी आयोजन किया गया था। प्रत्येक वर्ष रमजान से 3 दिन पहले हकीम सकीम बाबा के आस्थाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 4 बजे भोर तक सूफियाना कव्वाली की महफिल सजी रही। इस मौके पर अफरोज अंसारी, शोएब अंसारी, नूर मोहम्मद, साकिब अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। गोपीगंज के चकपड़ौन में आधा दर्जन लोगों ने बाइक सवार को रोककर मारपीट कर घायल कर दिया है। गोपीगंज के समीप रहने वाले आकाश यादव अपने साथी सुमित सेठ के साथ बाइक से जंगीगंज बाजार से लौट रहे थे। चकपड़ौना के समीप आधा दर्जन लोगों ने बाइक रोककर आकाश यादव की पिटाई कर दी। आकाश यादव ने गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर एक ढाबा संचालक सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के आलमपुर टावर के पास चल रहे 9 दिवसीय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के आखिरी दिन फाइनल मुकाबला भदोही के असद 11 व प्रयागराज के वली 11 के बीच खेला गया। असद 11 ने शानदार जीत दर्ज की। मुकाबला रात 11 बजे शुरू हुआ। 2 बजे रात तक मुकाबले में असद 11 ने जीत दर्ज की। विजेता टीम को 60,000 नकद व सभी खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।
मैच के आयोजक शेरा अंसारी ने बताया कि 9 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने प्रतिभाग किया था। समापन मौके पर इदरीस मंसूरी, सैफ शाह, एहसान अंसारी आलोक मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के भदोही जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन विश्वकर्मा का स्वागत किया गया। सुरियामा के कनकपुर में बबलू विश्वकर्मा के आवास पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन विश्वकर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर चंचल बिंद, दयाराम पाल, सूरज अमृत, विनोद यादव आदि मौजूद रहे। शनिवार को जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। माननीय जनपद न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत मामलों के निस्तारण का सस्ता एवं समुचित साधन है। इसमें न तो किसी की हार होती है, न किसी की जीत। लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय रत्नेशमणि त्रिपाठी, मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण, पीठासीन अधिकारी प्रकाश नाथ श्रीवास्तव, अपर जिला जज सैलोत चंद्र, अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश SC/ST असद अहमद हाशमी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून, सिविल जज सीनियर डिवीजन आरिफ अहमद अंसारी, अपर जिला जज पाक्सो प्रथम मधु डोगरा, जिला सचिव सेवा प्राधिकरण निविदिता अस्थाना सहित आदि माननीय न्यायाधीशों ने मामले का निस्तारण किया है। इस मौके पर केंद्रीय नाजिर कुमार श्रीवास्तव, चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमलेश सिंह जायसवार, महेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। आवराई में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, CO चमन सिंह चावड़ा, इंस्पेक्टर सचिदानंद पांडे, भदोही में CO अजय कुमार चौहान, इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह, ज्ञानपुर में इंस्पेक्टर विनोद तिवारी, कोरोना में इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने राजस्व टीम के साथ फरियाद सुनी है। इसी तरह तमाम थाना कोतवालियों में राजस्व विभाग की टीम के साथ पुलिस ने फरियाद सुनते हुए मामलों का निस्तारण किया है। शनिवार को जिले के 7 थाना कोतवालियों पर कुल 55 प्रार्थना पत्र पहुंचे थे, जिसमें से 5 का निस्तारण किया गया। बाकी शिकायती पत्रों का निस्तारण करने का पुलिस अधिकारियों ने जिम्मेदारों को निर्देश दिया है। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन करने के साथ साथ आप सत्यमनी सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल भी सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।